नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सावला बांध व अन्य जोड़ों को पत्रिका जन प्रहरी और विश्व जल आयोग के सदस्य नेहपाल सिंह के नेतृत्व में बांधों की खुदाई की गई। उन्होंने बताया कि हमें बांधों को घेरा करना होगा और नवयुवक जो जिम में जाते हैं उन्हें प्रातः काल बांधों में जोहर की खुदाई करने के लिए प्रेरित किया, जिससे बरसात के समय जोहर और बांधों में अधिक भराव हो सके और पर्यावरण व जल संरक्षण हो सके। इस अवसर पर पूर्व सरपंच अमर सिंह वर्मा, गुलाबचंद वर्मा, विकास गुरु सुनील सिंह, बीएलओ निरंजन कुमार, मदन सिंह, राज्यवर्धन सिंह, कोणार्क सिंह आदि ने श्रमदान किया और साथ ही सिंह ने बताया कि सभी बांधों व नदी तालाबों को पुनर्जीवित किया जाएगा। विराटनगर से न्यूज 69 के लिए मामराज मीणा की रिपोर्ट। विश्व जल आयोग सदस्य हम यहाँ बांधों की खुदाई कर रहे हैं। हमने नवयुवकों को प्रेरित किया, जो नवयुवक जिम में जाते थे उनको प्रातःकाल बुला करके और वो स्वतः ही आकर के और खुदाई करने लग गए। वो एक्सरसाइज की जगह या मिट्टी खोदकर आज भी बांधों को खोदने पहले भी खुदाई की थी, नित्य प्रतिदिन इनकी दिनचर्या में बना लिया है और हमारा हर संडे ये प्रोग्राम है, छुट्टी के रोज भी प्रोग्राम रहेगा। हमारा उद्देश्य बांधों को गहराई करके जल का भराव कराना है, जल बचाना, छात्रों के जीवन में लाना है। हमारे गुरु जी नेपाल सिंह जी पर्यावरण सदस्य, इनके निर्देशन में कार्य किया और लोगों को एक ही निर्देश दिया, जल है तो कल है, और इसी निर्देश के आधार पर लोगों को जागरूक करके इस बांध की खुदाई का कार्य शुरू करवाया गया। और हमने प्रण लिया है कि जैसे जैसे हमको टाइम मिलेगा, संडे या अदर कोई भी छुट्टी है, हम सभी को निर्देशित करके इस बांध की खुदाई करेंगे और इसकी गहराई जो क्षमता है उसको बढ़ाएंगे। गुलाबचंद वर्मा नेपाल सर जो पर्यावरणविद हैं उनके साथ में, इनके साथ में हम काम कर रहे हैं। ये बांधों की जो खुदाई है, इनको जो बच्चे हैं जिम में जाते हैं उनको साथ लेके हर संडे को या छुट्टी के दिन भी हम पूरी लगन से और इन बांधों की खुदाई कर रहे हैं और इससे जो पर्यावरण है, जल संरक्षण है, उसके लिए हम नित प्रतिदिन और पूरा सहयोग के साथ में काम करेंगे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।